मीटिंग टाइम से आधा घंटा लेट चल रहा हूँ मैं आज। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। भाई साहब इतने टाइम बाद ये बोल रहा हूँ ना, बिकॉज मौका ही नहीं मिल रहा भाई वीडियो बनाने का। अभी भी देखो बारिश का मौसम बना हुआ है, कुछ नहीं पता कि हम लोग निकलें और बारिश हो जाए, लेकिन भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ, बिकॉज इट्स 5:42 इन द मॉर्निंग। ऑल राइट, निकलने का टाइम तो 5:30 बजे, लेकिन सॉरी मिलने का टाइम तो 5:30 बजे, जो हमारा मीटिंग पॉइंट पे जो टाइम था वो तो 5:30 बजे, लेकिन मैं निकल ही 5:42 पे रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है 6 बजे पहले वहाँ कोई नहीं आने वाला। और अगर इनकेस आ भी गए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 5:45 ही कोई ना कोई वहाँ पे पहुँचा होगा, वरना बम चालू कर देता है। सुबह सुबह जो कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है ना भाई गली के अंदर, यार ये सबसे ना दर्दनाक चीज मेरे को लगती है कि सब लोग सो रहे हो और मैं सुबह सुबह। लेकिन खैर, मैं पूरी कॉलोनी में बहुत धीरे से लेके जाता हूँ ताकि सामने वाले को डिस्टर्ब ना हो और मैं भी अपना एंजॉय करूँ। चलो 40 डिग्रीज तो अपने चलने लायक पोजिशन पे तो है ही, अब इसको धीरे धीरे लेके चलते हैं। तो भाई गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है ना कि बहुत, मतलब मानो ये इसका, अरे ये बिल्ली। तो भाई गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है ना कि मैंने हेलमेट के पैड्स मानो अभी वॉश किए थे, मतलब मुश्किल से मुश्किल हफ्ते या फिर 2 हफ्ते, और भाई उस बीच ये हेलमेट मैंने शायद 2 बार पहना होगा और अभी भी वही, ये अपनी वापस वही वाली सेम कंडीशन में आ गया कि इतनी गंदी स्मेल आ रही है पसीने की, पूछो मत। गर्मी ने मार दिया भाई। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे देना मत जाना। अभी आप लोग सोच रहे हो कि तो स्लो ही चला रहा है बॉस, मैं भी कॉलोनी के अंदर हूँ, एक बारी मुझे बाहर निकलने दो एक बार भाई साहब। उसके बाद तो थ्रॉटल नहीं छोड़ना मैंने आज, इतने टाइम बाद राइड करने का मौका मिला है, एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। लेकिन भाई बस उसमें गलती नहीं करनी, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, एक्साइटेड रहो बहुत सही है, लेकिन उसमें कोई भी गलती नहीं करनी। एंड देयर वी गो, ये हम लोग निकल चुके कॉलोनी गेट से बाहर, बस राइट टर्न लेते हैं। इसके बाद भाई पागल हो जाबो। फिर भूल गया, मुझे पीछे से आना था। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये रहा मीटिंग पॉइंट हमारा टोल। अब यहाँ पे देखते हैं कितने लोग आए होंगे कितने नहीं आए, बिकॉज मीटिंग टाइम से आधा घंटा लेट चल रहा हूँ मैं आज। देखो मेरे को एक फोन आना स्टार्ट हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई वहाँ पे है। ऐसे तो नहीं कोई पीछे था, मेरे को पीछे था इसलिए कॉल कर रहा था, मतलब पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी होता है। कोई याद हो नहीं रहा, मैं फोन ही कर लेता हूँ। सेकंड शे भैया का फोन लग रहा है मुझे, ए लिखा हुआ। अच्छा हमारे ग्रुप में सारे ए हैं, मतलब आलोक भैया, आर्यन मतलब मैं, अक्षय भैया और एक है अंकुर भैया। हाँ जी मैं टोल पहुँच गया। कोई नहीं आया। कसम से भाई क्या करूँ मैं, डीजे बज रहा है यार। कावड़ तो खत्म हो गई ना यहाँ तक मुझे लगता है भाई, जब कावड़ खत्म हो गई है उसके बाद भी क्यों। ओ तेरी, ये क्या कर रहे हैं, बहुत रिस्क पे चलते हैं भाई, बहुत रिस्क पे। आलोक भैया ने दे दिया धोखा गंदे वाला, आलोक भैया आए नहीं। एंड अभी हम चार लोग ऐसे निकल रहे हैं, चार राइडर्स और चारों जीनोसो, चारों एक्सट्रीमली लाउड। खतरनाक पावर है भाई मशीन के अंदर, खतरनाक।
एंड ऑफ कोर्स आप लोग को रील के लिए फॉलो करना पड़ेगा ऑन माई इंस्टाग्राम, तो जाके फॉलो कर लेना, बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट रोज आता है डेली 12 बजे, यू मस्ट फॉलो, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आप लोग बोर नहीं हो गए, अमेजिंग कॉन्टेंट फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। भाई सारी सेम बाइक्स कितनी सेक्सी लगती है बॉस। ओ भाई ये जान के करा है इन्होंने। भाई स्पीड क्या मारा है इन्होंने, वीली मार दी। हाँ जी क्या हाल है? हेलो हाउ आर यू आर्यन? हाय भाई आर्यन। हाय भैया, ये आर्यन भाई मैंने कहीं तो देखी है, ये वाली भाई किसकी है? लाइफ आपकी है? हाँ ऑफ है, ऑफ है यार, ये कहीं तो देखी है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल रैप है यार, बहुत ब्यूटीफुल, जबरदस्त रैप है, पूरा S1000 आर का लुक आ रहा है। एंड ये वाला मॉडल है ना जो KTM RC390 का, बॉस ये प्यार है। इसके बाद के जो मॉडल आया ना, 1% भी पसंद नहीं आया, उनका लुक मैं कह रहा हूँ मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा गंदा लगता था, बट ये वाला लुक बेस्ट है। एनीवेज एक ZX है यार, बट विद द स्टॉक एग्जॉस्ट अभी भाई ने निकाल रखा है, वरना इसमें एक SC प्रोजेक्ट CR1 एग्जॉस्ट था। एंड देयर इज अ TVS Apache RR310, ये कलर स्कीम बहुत प्यारा है यार, आई थिंक इट्स अ लिमिटेड एडिशन, और रेड एलॉयज रेड कलर एंड काफी अच्छा पैटर्न है नंबर 15। एंड ये वाला एक्चुअली कस्टमाइजेशन होती है, आप जौन सा नंबर चाहो वो वाला इसमें लगवा सकते हो, और विद अ काउल, काफ़ी इंप्रेसिव काउल है, काफ़ी इंप्रेसिव लुक है। ऑल राइट, ब्यूटीफुल काउल, ब्यूटीफुल लुक, और अंदर चलते हैं, शांति से बैठते हैं और सारी फुटेज ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ जी क्या हो गया? जहाँ पे स्पीड कैम आया आपने व्हील ही उठा दी, मैंने कहा यार ये क्या किया। मेरे को फिर बाद में आया याद कि इसमें तो प्लेट ही नहीं है। सुरक्षा अभी ट्राई करके आ रहे हैं 10R, एंड एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा कि इनको मज़ा आया, वैसे पता नहीं क्यों। बाहर निकले ओके भाई, ओके चलो। आज इतने टाइम बाद मैं अपनी बाइक की वॉच में टाइम देख रहा हूँ, 9 बजे हम लोग राइड से वापस आ रहे हैं, ये टाइम इतने बाद देख रहा हूँ और इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय करा, पूछो मत बस। आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग ये रॉ वीडियोस एंजॉय कर रहे हो या नहीं, बिकॉज इसमें मैं कोई म्यूजिक नहीं डाल रहा हूँ, कोई कुछ नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बाइक्स की आवाज़ एंजॉय कर रहे हो। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आगे की वीडियोस भी ऐसे ही मज़ेदार बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने भी एंजॉय करा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बिकॉज ये प्रॉपर रॉ मोटो व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम मिलते हैं किसी बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय।